हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? ओम प्रकाश, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? अभी और बच्चे जुड़े नहीं है स्टूडेंट्स, आज बच्चे लेट कैसे हो गए अपने टाइम से? हाँ कृतिका, दीक्षा मुआल, परिधि, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम, सबको आ रही है ना? यस मैम। बोर्ड साफ दिख रहा है? यस मैम। नो मैम, नहीं दिख रहा। कैसे नो मैम? अब सही है। अब सही है मैम। सही है, अच्छा। चलो, हमने कल कहाँ तक पढ़ा था बताओ? मैम मैंने कल क्लास फिफ्थ फेल भी है, मैसेज आ गया। क्या? मैम मैंने कल क्लास लिखी फिर भी एब्सेंट का मैसेज आ गया। एब्सेंट का मैसेज आ गया मैम, वो उनको पता नहीं होगा तब। यस मैम, आप ऑफिस में बात करो, उनको पता नहीं होगा तब वो कर रहे होंगे। ओके ना? यस मैम। अब देखो, कल क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे हम ना, है ना? और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है ऑफ द इन सर्किल डिजिट, यानी जिसके जिस डिजिट के सर्किल लगा हुआ है उसकी आपको प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी लिखनी है। ओके, तो देखो। यस मैम। ये है 3567, इसमें जो 3 है उसके ऊपर क्या लगा रखा है? जीरो। सर्किल लगा रखा है, जीरो नहीं लगा रखा। जीरो ऊपर कभी लगता है क्या? क्या लगा रखा है? सर्किल। तो देखो, सर्किल 3 के ऊपर सर्किल लगा रखा है, इसका मतलब अपन को क्या करना है? 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? अब देखो कैसे पता चलेगा, ये 1, 10, ये 100, ये 1000, तो 1000 के कितने जीरो लगती है? 3 क्या है, कितने जीरो लगाऊं? 1, 2, 3, 3 जीरो लगा दूं। यस मैम। आपको बताया था ना मैंने प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, जिसके भी प्लेस वैल्यू लिखनी है आगे के काउंट कर लो कितने डिजिट है, उतने जीरो लगा दो, तो उसकी क्या आ जाएगी? प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 3000। क्या आ गई? 3000। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? बताया होगा मैंने, बताओ फेस वैल्यू क्या है? 3567। मैंने बताया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस, याद है क्या किसी को? प्लेस वैल्यू होती है जो भी है वो सेम लिखना, जैसे 3 की प्लेस वैल्यू 3 होती है, 5 की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 6 की 6 होती है, बताया था ना? जैसे कोई डिजिट लेते हैं, ये डिजिट है, इसमें हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो ये 1s है, ये 10s, ये 100, ये 1000, तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी, 3 की 1 जीरो लग जाएगा, 30 बन जाएगी, 4 की 400 बन जाएगा, और 2000, ये प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है? और फेस वैल्यू क्या होती है? 6 का 6 फेस वैल्यू, 3 की 3, 4 की 4, 2 की 2, ये फेस वैल्यू होती है। देखो आपको कहाँ करवाया अपनी कॉपी में, उसको देखो,
फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अलग अलग बता रखी है मैंने, कि फेस वैल्यू तो सेम ही आएगी 66 है ना, और प्लेस वैल्यू चेंज होगी, बताया ना, याद नहीं आपको? यस मैम। आगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू संख्या, वो संख्या होती है वही होती है। फेस वैल्यू होगी 3, क्या होगी यहाँ पर? 3, क्योंकि हमने 3 की प्लेस निकाली और अब 3 की फेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3 की प्लेस वैल्यू 3000 हो गई और 3 की फेस वैल्यू 3 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि कोई चेंजमेंट नहीं होता, इसलिए 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। समझ में आया इतना? फिर देखो। यस मैम। फिर देखो यहाँ पर 7698 की आपको क्या लिखनी है, क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू पूरे की नहीं लिखनी, सर्किल किस पे लगा रखा है? 6 पे, जिस पे सर्किल लगा होता है उसके प्लेस पे, तो 6 की प्लेस वैल्यू निकालोगे ना, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? कितने जीरो लगाऊं? 1 2 2 0 क्या बन गया? 600। क्या बना? 600। और अब बताओ फेस वैल्यू क्या होगा, क्या होगी? कृतिका बताएगी। 36। फेस वैल्यू बताओ मैम। 6। 6 यूं का यूं आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखो 2480 की आपको क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू लिखनी है? नहीं, आपको सिर्फ 8 की लिखनी है, सर्किल लगा रखा है, तो 8 क्या गया? 8 डिजिट है, तो 1 जीरो लगा दिया, तो क्या बन गया? 80। क्या बना? 80। और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 80, ठीक है। फिर नेक्स्ट डी में देखो 0 की आपको क्या निकालनी है? फेस वैल्यू, तो 0 के आगे 1 डिजिट है, तो 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो तो खुद है और 1 और लग जाएगा, और इसकी फेस वैल्यू भी 0 ही होगी। ओके, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। सबको ना? यस मैम। आप बताओ 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? दीक्षा बताएगी। 2000। प्लेस वैल्यू क्या होगी 0 की? 0। हाँ बस मैम, 1 0। 0। और फेस वैल्यू 0, किसका आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये और फेस वैल्यू सेम होती है, तो 0 की 0। समझ में आया? फिर देखो यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, बताओ 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसके आगे 1 डिजिट है, तो कितना 0 लगेगा? 1 0 1 9। जब 1 डिजिट होती है तो 1 ही तो 0 लगेगा, तो क्या बना? 90। और फेस वैल्यू कितनी आएगी? फेस का मतलब होता है, देखो फेस 90 तो सामने, यानी 9 है तो सामने भी 9 ही आएगा, समझ में आया ना? फेस दिख, फेस कर रहा है वो, फेस क्या कर रहा है? 9 तो कर रहा है। अब देखो 4275 में आपको 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 4 के ऊपर है। अब देखो 4 क्या है? 1000 है, क्या है? कितने डिजिट है? 3, तो 4 के आगे कितने जीरो लगाएंगे? 3। कितने जीरो लगाऊं 4 के आगे? 3। थ्री, तो कितने? 4000। क्या बना? 4000। और यहाँ पर yes, ma'am. क्या आएगी? 4 ही आएगी, 4 ही आएगी। यहाँ पर देखो 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 1 कौन से प्लेस पे है पहले तो ये बताओ, 1 कौन से प्लेस पे है? 100। 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे 2 जीरो लगेगी और 2 ही आगे डिजिट है, 1 2, तो 2 जीरो लगा दूं तो कितना बन गया? 100। 100।
और यहाँ क्या आएगा वन, तो फेस वैल्यू सेम ही होती है। समझ में आया सबको? यस मैम। सभी को आया समझ में? यस मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ये आपको सॉल्व करने दूंगी, आप कर लोगे ना घर से? यस मैम। ओके यस मैम। तो सौरभ समझ में आया क्या आपको? यस मैम। दीक्षा? यस मैम। सौरभ गया भी क्या? ओम प्रकाश समझ में आया? यस मैम। ओके कृतिका? समझ आ गया? यस मैम। फिर अब कर दूं? कर दो मैम। ओके अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा दाव सर करना? आवाज नहीं करो, अपनी वॉल्यूम म्यूट कर लो। इसमें बताना है कौन से प्लेस पे है। ये आपको नंबर दे रखा है 2586 को। 6 इज एट प्लेस, कि 6 इसमें कौन से प्लेस पे है। इसमें पूछ लिया कि 6 कौन से प्लेस पे, 6 कहाँ है इस डिजिट में, यहाँ पर है ना, ये कौन से प्लेस पे, ये बताना है इसमें। बताओ once, very good। next देखना आप second का। 3 is at place, अब 3 के बारे में बताना है कि 3 कौन से प्लेस पे है। मैम 100 thousand confirm कर दो। अभी बताती हूँ। 9000। थर्ड का बताओ, थर्ड देखो। 10 मैम। 10s। ओके और का देखो। 100 नेक्स्ट देखो। 9 ones।
अब देखो स्टार्टिंग से देखेंगे कि कौन से आपको नंबर दे रखा है, उसपे आपको प्लेस से क्या करना है, प्लेस बतानी है। नंबर पे बताया है कि ये जो नंबर है इसमें ये डिजिट है, इसका प्लेस बतानी है कि कौन से प्लेस पे है। ओके, तो देखो फर्स्ट देखो आपको दे रखा है 2586, इसमें आपको 6 की प्लेस बतानी है। तो 6 किस पे है बताओ, वंस पे, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, तो वंस पे है ना 6, तो लिखो वंस प्लेस। क्या लिखोगे? वंस प्लेस, ठीक है। फिर आप देखो सेकंड, यश शर्मा समझ में आ रहा है क्या आपको? यश शर्मा आ रहे हैं? आज तो आप लेट आए हो, क्लास ज्वाइन लेट किया आपने, अपने टाइम पे किया करो कि आप थोड़ा सा मिस ना करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको, उसमें भी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू लिखनी है, कुछ ज्यादा नहीं है, पर आप अपने टाइम पे आओगे, टाइम पे क्लास लोगे तो आप सीख पाओगे, कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड का देखो, इन 3408 में आपको 3 की क्या प्लेस वैल्यू, तो देखो ये वंस है, ये टेंस, ये हंड्रेड और ये थाउजेंड, तो कौन सी प्लेस पे है? थाउजेंड प्लेस पे है ना, तो लिखो थाउजेंड प्लेस, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। का देखो, इसको पढ़ो, ये क्या डिजिट है, कौन पढ़ के बताएगा मेरे को? रुको, यश शर्मा पढ़ेगा, क्या डिजिट है? हाँ, 4761, तो 6 की प्लेस बतानी है अपन को, तो 6 कौन से प्लेस पे बताओ? वंस टेंस प्लेस पे ना, कौन से प्लेस पे? टेंस प्लेस पे। ओके, फिर देखो 4 का, 4 का मुझे परिधि पढ़ के बताएगी। सिक्स थाउजेंड आगे 17, क्या सही बोल रही है कृतिका? ये आप बताओ, कृतिका अपनी वॉल्यूम को अनम्यूट करो और बताओ ये सही बोल रही है क्या? ऐसे ही पढ़ा जाएगा क्या? ऐसे रीड करेंगे क्या इसको? यस मैम। दीक्षा आप तो बोल रहे हो, पर कृतिका नहीं बोल रही है, कृतिका कहाँ गई? यस मैम, मैंने सही बोला है। सही बोला है, खुद पे विश्वास, सही बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। चलो फिर देखो इसको पढ़ेंगे, 6017, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो की प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस बताना है जीरो का, तो जीरो किस पे बताओ? वंस टेंस, तो कौन सी प्लेस पे है? हंड्रेड प्लेस पे। ओके, अब देखो अगला, अगला कौन पढ़ेगा? ओम प्रकाश पढ़ेगा क्या? डिजिट नंबर को पढ़ो ओम प्रकाश। मैम साफ नहीं दिख, क्या साफ नहीं दिखला? साफ नहीं दिख रहा, ले ढंग से लिख दूंगी मैं तो। 4529, अब
4052 5029। क्या पढ़ा है, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है 5229। ये क्या होता है, ये कौन से प्लेस पे, थाउजेंड पे, ये हंड्रेड पे, टेंस पे, वंस पे, तो इसको क्या पड़ेगा थाउजेंड और इसको हंड्रेड पे पड़ेगा, तो पड़ेगा 4529। कैसे पढ़ोगे इसको, 4529 पढ़ के बताओ अब। 4529। ओके वेरी गुड, आया ना। अब इसमें नाइन की प्लेस लिखनी है आपको, तो नाइन वंस पे, वंस पे, तो वंस पे लिख दिया, ठीक है। फिर देखो आपको दे रखा है 7680 और सेवन की प्लेस निकालनी है, तो देखो ये तो वंस है, टेंस, ये हंड्रेड है, थाउजेंड, थाउजेंड तो क्या आएगा, थाउजेंड क्या आएगा, थाउजेंड प्लेस। ये आपको समझ में आया सबको, यश शर्मा समझ में आया, यश शर्मा समझ में आया आपको, रितिका रितिका समझ में आया, रितिका बोलेगी नहीं क्या, खाना नहीं खाया क्या रितिका ने, दीक्षा आप बताओ समझ में आ गया क्या। यस मैम। परिधि। यस मैम। ओम प्रकाश। यस मैम। वेरी गुड। अब देखो आपको मैंने फोर और फाइव का क्वेश्चन करवाया है, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आप अपने फेयर नोटबुक में इसको सॉल्व करके और करोगे, जैसे ये दूंगी तो आपको ये सॉल्व खुद से करने है। अब ये तो मैंने बता दिया, अब ये आप घर पे खुद भी तो कर सकते हो ना, तो आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको सॉल्व नहीं करके दूंगी। ओके मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया, आप इसको फिर कॉपी में तरीके से वर्क करोगे, ठीक है ना, साफ साफ सुंदर सुंदर। ओके एनी प्रॉब्लम, नो मैम। पहले के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर फेस वैल्यू एक्सपेंडिचर नंबर नेम, हाँ बोलो मैम, ये फिर से एक बार समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया है। क्या, ये जो आपने बोर्ड पे लिखवाया है ना, ये मुझे समझ नहीं आया है। नहीं आया समझ में, नहीं, नो मैम। देखो किसको नहीं आया, कृतिका को, कृतिका को नहीं आया क्या। देखो आपको एक डिजिट दे रखी है, उसका आपको प्लेस बताना है, ठीक है। तो देखो प्लेस कैसे बताओगे आप, जैसे आपको दे रखा है, मैं तरीके से बता देती हूँ एक बार, ये देखो ये दे रखा है आपको 2586, ये आपको नंबर दे रखा है 2586, इसमें आपको ये जो सिक्स है ना, इसके अंदर जो सिक्स है उसकी आपको प्लेस बतानी है, यानी वो कौन से स्थान पे है वो बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लो, ये दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, थाउजेंड, और फिर थाउजेंड्स होता है, तो प्लेस बतानी है। तो इसमें ये कौन सिक्स है, ये कौन से प्लेस पे है बताओ, वंस प्लेस पे है ना, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सिक्स कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, समझ में आया, आया क्या कृतिका, क्या, थैंक यू मैम। मैम हाँ मैम, आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगी क्या, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो सेंड करती हूँ मैं। ओके मैम,
ठीक है ना। और देख लो नीचे, इसमें आपको थ्री की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये थाउजेंड प्लेस पे है, तो थ्री का कौन से प्लेस पे है, थाउजेंड पे। ऐसे देखो ये सिक्स वंस टेंस टेंस प्लेस पे है, जीरो का बताना है तो इसमें जीरो देखो वन टू थ्री, यानी वंस टेंस हंड्रेड हंड्रेड प्लेस पे है जीरो। फिर देखो नाइन का बताना, नाइन कौन से प्लेस पे है, वंस वंस प्लेस पे। फिर देखो सेवन का पूछा है, तो सेवन यहाँ पर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स, तो थाउजेंड प्लेस पे। समझ में आया? आपको काउंट ऐसे देख लिया करो स्टार्टिंग से कि वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, थाउजेंड है। फिर आपका अगर सिक्स का पूछा है तो उसका बता दो, एट का पूछा है तो एट का बता दो, फाइव का पूछा है तो फाइव का बता दो, टू का पूछा है तो टू का बता दो। ओके, जिस भी नंबर का आपको पूछा जाए उसका बता दो, वो वंस पे तो वंस का बता दो, टेंस पे टेंस का, हंड्रेड पे हंड्रेड का, या थाउजेंड पे थाउजेंड का। सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। ओके, ओके बाय, थैंक यू स्टूडेंट।